का ये है कलाम, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे दरमियान हजूर खलीफा पीर लाला खालिद हुसैन खालिद कादरी चिश्ती वारसी भी तशरीफ फरमाए और दीगर हस्तियां भी जलवा फरोज हैं। ये सब दुआ करते रहे, उलमा बैठे, मेरे पीर भाई अलामा साहब आप जलवा फरोज हैं, बाकी दुआ करें। सारे जरा नौजवान हाथ बुलंद कर लें, आपको इस कलमे का वास्ता देता हूँ। ये कैमरामैन रिकॉर्ड करे कि आशिक बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद चाहिए, फिर कहिए गूंज पड़ जा ये दौर अपने पराहीन की तलाश में है, ये दौर अपने तलाश में है, सनम कदा है जहां, तुझे कलमे का वास्ता देता हूँ, जरा हाथ बुलंद करके ये कलमा पढ़ो। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, जब इश्क सिखाता है, इकबाल को पढ़ रहा हूँ, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही, ऐ तायरे लाहूती उस रिस्क से बहुत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, दारा सिकंदर से वो मरते फकीर औला हो, जिसकी फकीरी में, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इन्हीं औलिया का तो जिक्र मैंने छेड़ा है। अरे जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही, ऐ तायर लाहूती उस रिस्क से बहुत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही, दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला हो, जिसकी फकीरी में बुए अशदुल्लाही, आई ने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, ना झुकने वाला ना बिकने वाला, अल्लाह के शेरों को आती नहीं आती नहीं। और इकबाल फरमाते हैं अल्फाज और मायने में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अजां और मुजाहिद की अजां और परवाज है दोनों की, इसी एक फजा में करगिस का जहां और है शहीद का जहां और, अगरचे बुत है जी आस्तीनों
रिश्ता पैवन भूतान बहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह किया है तूने मताए गुरूर का सौदा फरेब सूदो जया ला इलाहा इल्लल्लाह ये नगमा फसले ये नगमा फसले खुदी खुद से नहीं जो खुद को खुदा से जोड़ दे ये है खुदी। और जब बंदा खुद को खुदा से जोड़ देता है तो फिर खुदा यही तो कह रहा है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और बंदों में से एक बंदे का जिक्र तो मैं करूंगा जिसने ऐसा जोड़ा है खुद को कि बस फिर खुदा कह रहा है कि अब जो तू कहे जो तू कहे। बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने इसका तर्जुमा यूं कर दिया कहा शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन वो बंदा हुसैन है शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीअस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदार नादार सरदार नादार सरदार नादार सरदार नादार दस्त दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला ला इला हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता नबी की सुन्नत अजान होती खुदा के घर में अजान होती इस्लाम का और ही रंग होता बशर के चेहरे पे रंग होता अफसाने गम के सुनाता फिरता भारे जुल्म उठाता फिरता इमदाद न करते अगर हुसैन तो इस्लाम ठोकरे इस्लाम ठोकरे खाता फिरता ना तुझे समझ नहीं आ रही तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी तुझे उससे इतना हसद है क्यों तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी तुझे इससे इतना तुझे उससे इतना हसद है क्यों जो नबी की आंख का नूर है जो अली की रूह का चैन है जो नबी की आंख का नूर है एक हाथ नबी के नाम पर और दूसरा अली के नाम पर अगर उठा सकते हो तो नीचे न करना आखिरी एक मिनट के लिए तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी तुझे उससे इतना हसद है क्यों जो नबी की आंख का नूर है जो अली की रूह का चैन है कभी देख अपने खमीर में कभी पूछ अपने जमीर से वो जो मिट गया वो यजीद था जो न मिट सका वो हुसैन है ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह यही खुदी
यही खुद यही हुसैन ये इस्लाम ये इकबाल का कलाम है। मैं किस किस कह रहा है कि सजदे किए तवाफ किया ये किया वो किया चक्कर लगाए। सुन हम तो माइल व गरम है कोई साइल हम तो माइल व गरम है कोई साइल राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं
तरबियत आम तो है, चोट पर पूरी दुनिया में कर रहे तरबियत आम तो है, जौहरे काबिल ही नहीं जिससे ताबील हो आदम की, ये वो किल ही नहीं मिलता नहीं। इकबाल सुन, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। रह गई रस्म अजां, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलखीन गजाली न रही। मस्जिद मर्सिया कहां है कि नमाजी ना रहे, वो साबे और साफ उनकी बातें करके मिसालें दे रहे, वो साबे और साफ अजाजी ना रहे। यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तो सभी कुछ हो। बताओ तो मुसलमान शेर पर हाथ उठा के आपने सुभान अल्लाह जरूर कहना है। कहा मैं यूं मिलता हूं मालिक कैसे, कहा की मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाह कलम तेरे। इश्क से हर पस्त को बाला करते ईद मिलाद नबी होता है, और अप्रैल में भी वही डेट जो हुजूर की आमद का वक्त था 22 अप्रैल, और तब भी हुजूर का जिक्र गज वज के यही तो इकबाल कह गए हैं। क्या क्या वही शेर याद है,
سے اچھالا اردو میں اللہ اور فرشتے ارض و سماوات زمین واؤ زمین اور آسمان کتاب سے مراد قرآن اور گرامی قدر لا الہ الا اللہ محمد عربی کے اصول محمد ان تین باتوں پہ پوری عربی قائم محمد کیونکہ عربی میں یہ لفظ نہیں ہوتے تو پھر یہی معنی ہے اور جب بھی گرامی قدر محمد دن کی بات ہو تو پھر جب بھی دن کی بات ہو تو یہ تعلق بتایا جاتا ہے اور اس کلمے میں ذرا تعلق تو دیکھو ادھر اللہ کا نام ہے اور ادھر محمد کا نام ہے اور پھر کلمے میں نہیں اللہم صلی علی محمد تعلق ہے ایک طرف آل سے تعلق ہے اللہم صلی علی ایک طرف اللہ سے تعلق ہے دوسری طرف آل سے تعلق ہے جس کے ایک طرف خدا ہو دوسری طرف مرتضی ہو دوسرے کے بھی 12 رکھے اگر پہلے میں اپنا ذاتی نام رکھا ہے تو دوسرے میں اپنے یار کا بھی ذاتی نام رکھا ہے اگر پہلے میں میرے نام کے حرف 4 ہیں تو دوسرے میں محمد کے حرف بھی 4 ہیں اگر پہلے میں اللہ بے نکتہ ہے تو دوسرے میں محمد بھی بے نکتہ ہے اگر پہلے پورے جملے میں نکتہ نہیں تو دوسرے جملے میں بھی نکتہ نہیں اگر پہلے میں ایک حرف مشدد ہے دوسرا بھی پڑھ کے دیکھو ایک حرف مشدد ہے
आने से आपके मुर्शिद का जो रंग था, जो रंग चढ़ा हुआ था, वो नजर आ रहा है।